हेलो फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर नवनीत मागो रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजिस्ट एंड वेलकम बैक टू द हेल्थ केयर टूडे सो वॉट आर वी गोइंग टू टॉक टूडे लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट वैजनल टाइटनिंग वॉट इज वैजनल टाइटनिंग और उसके ऊपर मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई हैं बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आई हैं पर्सनल मैसेजेस से कॉल से कि उसके बारे में थोड़ा सा और बताएं, बिकॉज क्या है कि इंटरनेट डिराइव जो नॉलेज है अनऑथेंटिक uh, सोर्सेज से वो कई बार बहुत कंफ्यूजन क्रिएट uh, करती है सो so, उसके लिए वी आर गेटिंग लॉट ऑफ रिक्वेस्ट दैट वी शुड टॉक अबाउट इट मोर तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगा वैजनल टाइटनिंग के तरीकों की जो कि सोशल मीडिया में येलो जर्नलिज़्म में मेडिकल टूरिज्म साइट्स पे ये जो मेडिकल आजकल ई e साइट्स चलती हैं जो पेशेंट्स को और जो एफएम पे एडवर्टाइजमेंट्स चलती हैं उसमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और जिसके बारे में पूरी दुनिया आज बात कर रही है लेज़र वैजनल टाइटनिंग मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो ऐसी जगह से ट्रीटमेंट करवा के आए हैं जहां पे उनको वजाइना में लोकल एनसीजिया लगा के एक ऐसी लेजर से ट्रीट कर दिया गया और बाद में उनकी विजाइनल सेंसेशन ही खत्म हो गई मतलब कि डेड हो गई जल गई वो जो नर्वस सप्लाई होती है पूरे वजाइना में जी स्पॉट एरिया में और उससे उनकी सेक्शल सेंसेशन खत्म हो गई तो फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है ऐसा ये तभी होता है अगर आप अनट्रेन्ड इंसान के पास जाएं या जो गलत इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हो तो अगर आप ठीक डॉक्टर के पास जाते हैं जो ठीक इक्विपमेंट यूज़ कर रहा तो आपने पहले तो चेक कर लिया कि लेजर आपकी नॉन एबलेटिव है और नॉन एबलेटिव में भी कौन सी है तो जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो एक नॉन एबलेटिव एरबियम लेजर है जिसे कहते हैं कि स्मूथ एरबियम लेजर अब ये एक टेक्नोलॉजी है जो एक देश है स्लोवेनिया वहां पे एक गवर्नमेंट ऑफ स्लोवेनिया की एक कंपनी थी लेजर कंपनी जो इनिशियली वर्ल्ड वॉर के लिए लेजर्स बनाती थी जब वॉर्स खत्म हो गई तो उन्होंने अपनी लेजर टेक्नोलॉजीज को शिफ्ट कर लिया मेडिकल लेजर्स के लिए तो वो एक जो लेजर है उस पर मैक्सिमम स्टडीज हैं मैक्सिमम डाटा है, है प्रूव करता है कि एक स्मूथ एर्बी मैग लेजर से सेफ और इफेक्टिव वैजनल टाइटनिंग होती है उस प्रोसीजर को हम कहते हैं इंटिमालेज क्या कहते हैं इंटिमा लेज और ये आजकल रोबोटिकली भी होता है हमारा जो एलसेंटे सेंटर है डीएलएफ थ्री गुड़गांव में वहां पे हम लोग इसको रोबोटिक इंटिमा लेस करते हैं जिससे कि हंड्रेड परसेंट वेजाइना ट्रीट होती है एक मिलीमीटर भी वेजाइना का नहीं छूटता है सो ये जिसे कहेंगे ना गोल्ड स्टैंडर्ड अगर गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है आपको गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कराना है तो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रहेगा एक रोबोटिक इंटिमा लेस यूजिंग ए स्मूथ एरबीएम याग लेजर इसके अलावा एबलेटिव लेजर बिल्कुल नहीं यूज करेंगे अगर बाकी कोई नॉन एबलेटिव लेजर हैं इसके अलावा उनकी एफिकेसी कितनी रहेगी कोई मैं आपको नहीं गारंटी कर पाऊंगा कि हां उनकी एफिकेसी रहेगी ऑफकोर्स अब हम उस चीज पे अभी नहीं जा रहे हैं कि पेशेंट सिलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है इसमें क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका डॉक्टर ट्रेंड होना चाहिए कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी में इसके बारे में हम कई बार पहले बात कर चुके हैं और हम ये बहुत लंबा बहुत लंबा सब्जेक्ट है बहुत लंबा विषय है इस इसमें बहुत नॉलेज की जरूरत है और अवेयरनेस की जरूरत है हम ऐसे ही जुड़ते रहेंगे हम इसके बारे में और बात करते रहेंगे ये बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई पर मैं जल्दी ही आपके पास वापिस आऊंगा बिकॉज वी केयर फॉर यू